मानव नेत्र एक सजीव लेंस। यहाँ देखिए, ये मानव नेत्र का चित्र है जिसके सामने कुछ उभरा हुआ भाग जिसे कॉर्निया कहते हैं। ये उभरा हुआ भाग कॉर्निया के पीछे एक पारदर्शी अपारदर्शी पर्दा होता है जिसे आयरिस कहते हैं। यह अपारदर्शी पर्दा आयरिस के मध्य में एक छोटा लघु निकास होता है जिसे प्यूपिल कहा जाता है। पेशियां, ये जो आसपास पेशियों की सहायता से प्यूपिल का आकार स्वतः ही अधिक प्रकाश में छोटा और अंधेरे में बड़ा हो जाता है। इसके पीछे एक नर्म तथा पारदर्शी पदार्थ का बना एक उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। मानव नेत्र में सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। मनुष्य के सामने स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। रेटिना के लगभग बीच में एक स्थान होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। किसी वस्तु से आने वाले प्रकाश किरणें कॉर्निया से गुजरने के बाद नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं। इससे अपवर्तित होकर रेटिना पर वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। स्वस्थ आँख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। दृष्टि दोष मुख्यतः मनुष्य नेत्र में दो प्रकार के दृष्टि दोष पाए जाते हैं। कुछ लोग जिनके नेत्र लेंस बहुत अधिक वक्रीय होते हैं दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। उनके नेत्र लेंस की फोकस दूरी बहुत कम होती है। ऐसे स्थिति में दूरस्थ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टिपटल पर न बनके इसके आगे ही किसी बिंदु पर बन जाता है। तो दृष्टि के इस दोष को निकट दृष्टि दोष अथवा मायोपिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब कहाँ, रेटिना यहाँ बनना चाहिए परंतु पहले ही बन जाता है, इसलिए इसे निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहते हैं। इसका निराकरण करने के लिए अवतल लेंस लगे चश्मे का उपयोग किया जाता है या लेंस किरणों को फैलाकर उनको दृष्टि पटल पर फोकस करती है और प्रतिबिंब सही से बनकर हमें अच्छे से दिखाई देने लगता है। वहीं कुछ लोगों को इसके विपरीत दोष का दोष से ग्रस्त होते हैं। ये निकटतम वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते क्योंकि उनके नेत्र लेंस में तनाव के होने के कारण नेत्र की फोकस दूरी अधिक हो जाती है और प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके पीछे कहीं बनने लगता है, दृष्टिपटल के पीछे बनने लगता है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है जिससे यह प्रकाश को अभिसारित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाती है और प्रतिबिंब सही बनता है। इस अध्याय से हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा से आप पढ़ लेंगे और यहाँ अभ्यास के प्रश्न उत्तर आप करेंगे।